गया है और आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी होम टूर, क्योंकि आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप लोगों के तो सबके घर दिखा रही हो, मैं का होम टूर करा रही हूँ, अपनी चाची का घर दिखा रही हो, खुद का ससुराल का होम टूर नहीं दिखा रही हो। तो चलो आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आज वो दिन आ ही गया। तो शुरुआत करेंगे हम मेन जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ से करेंगे। तो चलो तो आज आइए, आज सभी लोग, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आई हूँ। आप सब लोगों को घर दिखाऊंगी अपना, आपका ही घर है। और जैसे ही हम गेट खोलते हैं, यहाँ मैंने एक ग्रीन कलर का बिछा रखा है पायदान, और इधर दूसरे कलर का है, और यहाँ मैंने ये दो प्लांट रखे हैं जो कि अरीका पाम है और इसका नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो यहाँ पर दो प्लांट रखे हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया है, हाथ बना रखे हैं जो कि दशा माता में अभी पूजा हुई थी ना, तो उसके लिए ये बना रखे थे जब बनाते हैं यहाँ पर। और इधर ही आ जाते हैं साइड में, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ मतलब मध्य प्रदेश में मतलब हमारे इधर तो वो सेंटेक्स रखे जाते हैं और यहाँ पर एक सीमेंट की बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं अंडरग्राउंड, तो जो पानी की टंकी है और ऊपर भी है, तो पानी जब भी नलाते हैं मतलब नगर निगम पे, तो यहाँ स्टोर होता है। और यहाँ शूज रखे हैं बच्चों के। और फ्रेंड्स यहाँ पर दो दरवाजे हैं, वो है मेन गेट का उधर से जाते हैं, ये है ड्राइंग रूम का जो कि हम यहाँ से भी जा सकते हैं, दो बनवाएं। तो चलो अब चलती हूँ अंदर। जैसे ही हम घर में घुसते हैं तो यहाँ सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर, तो घर में सबसे ज़्यादा ना जूते चप्पल मेरे हस्बैंड के और मेरी ननद के ही हैं, और हमारे सबके बहुत कम हैं जो कि बाहर रखें। ये देख सकते हैं, ये मेरी ननद के रखे हैं सारे सूज वगैरह, और कल तो एक नए मंगाए हैं उन्होंने ऑनलाइन, वो भी आ गए हैं उनके। तो चलो आ जाइए आप लोग। और यहाँ से जैसे ही आते हैं और यहाँ से जाती हैं सीढ़ियाँ ऊपर के लिए, जो आप लोग कई बार मेरे ब्लॉग में देखते हो। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये यहाँ पे आंगन, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है ये। तो बस सबसे पहले, और यहीं से चलते हैं हम पहले लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर अनिक कर रहे हैं पढ़ाई इस वक्त, और आप लोग काफ़ी बार देख चुके हो, क्योंकि मुझसे मेरी ना भाभी भी बोली थी, मेरी फैमिली भाभी हैं, तो उन्होंने बोला था, बोले तुम कहाँ से आती हो, कहाँ घुस जाती हो, कुछ पता नहीं चलता, अपना घर दिखाओ एक बार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको आपकी होम टूर ही करवाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये सोफे अभी बने थे नए, और पुराने वाले ऊपर वाले हॉल में चले गए। अब चलती हूँ मैं इधर, इधर से आइए आप, कैमरामैन इधर से आइए। हाँ राम, ये क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे ले जाइए। तो यहाँ पर ही है नायशा, को देख सकते हैं नायशा ऊपर झूला झूल रही है। और यहाँ पर ही है दो रूम, तो ये वाला जो रूम आ जाता है ये है मेरी ननद का, बहुत सुंदर सा रूम है, बिल्कुल होटल वाली फीलिंग आती है जब इस रूम में आओ तो। हाँ, बड़ी मेहनत से उनने बनाया है ये अपना रूम, और देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये फ्रेम लगा रखे हैं जिसमें हार्ड वर्क मतलब अच्छे थॉट हैं, जिसको देख के हम ना मोटिवेट होते हैं इन चीज़ों को, और कभी हार नहीं मानना चाहिए जीवन में। और यहाँ पर ये सारा उन्होंने करवाया है, लकड़ी का फर्नीचर जो कि काफ़ी पैसा लगा था बस। और ये रखी मेरी ननद रानी की बुक जो कि वो पढ़ती हैं हमेशा, और देख सकते हैं मेहनत करती हैं वो, सुबह की गई शाम को आती हैं, देख सकते हैं उनकी बुक भी रखी है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाऊं, उतने जूते चप्पल तो वहां रखे हैं मेरी ननद के, और इधर आ जाइए और दिखाती हूँ मैं आपको, कमी नहीं है भाई, बहुत उनको शौक है कपड़ों का, जूते चप्पल का, देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं सारे सैंडल्स जूते। और कल ही एक नए आए हैं जो कि मुझे नहीं पता था, अपने भाई को बता रही थी कि भैया देखो ये मैंने 6000 के जूते मंगाए हैं, तो मैं तो बड़ा ताज्जुब करती हूँ यार, मैं तो कभी जीवन में भी ना खरीदूँ इतना महंगा जूता। तो आ जाइए और थोड़ा बहुत दिखाते हैं दीदी का रूम, क्योंकि आप लोग, और दीदी को भी दिखा दो भाई, क्योंकि वैसे तो वो मेरे ब्लॉग में आती नहीं है कभी भी, तो ऐसे ही देख लो आप लोग। रिंकी दी को तो आपने देखा है, और वो है पिंकी दी। तो चलो अब आ जाते हैं हम दूसरे रूम में, जो कि है ये मेरा
सास ससुर जी का रूम, और वो कभी इसमें सोते नहीं है, वो सोते हैं आगे, तो उनका बिस्तर ये रहा, गद्दे वगैरह तो यहाँ से डेली ले जाते हैं और डेली यहाँ के यहाँ आ जाते हैं। इस रूम में थोड़ा सा ना ये लाइट खराब हो गई है, तो इसकी वजह से रोशनी नहीं आ रही अच्छी, और यहाँ पे हमारी फैमिली पिक्चर लगी हुई है। फैमिली पिक्चर नहीं है, यहाँ मम्मी जी पापा जी की है, ये पापा जी की जब हस्बैंड की उम्र में थे तब की है, और ये पतिदेव जी के साथ है, मम्मी जी पापा जी, और मम्मी जी की ये अलमारी है, और ये वाली अलमारी है नाइशा की, और अगेन इसमें भी दीदी के ही कपड़े हैं, दीदी के कपड़े जूते बहुत हैं। तो चलो अब चलते हैं, अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ से निकलते ही आ जाता है किचन, जो कि आप लोग कई बार देखते होंगे। तो देखो बच्चों ने पी के यहीं रख दिया गिलास, और ये है किचन, छोटा सा दिखा दो भाई, ये डब्बे डुब्बी तो आपने बहुत बार देखे हैं। और अभी किचन ना मॉडुलर किचन नहीं है, और ओपन किचन है, ये सब कुछ दिखेगा आपको एक एक चीजें। तो चलो और यहाँ इधर से दिखाओ, ये मटका भी है, जो कि गर्मियों में इतना इसमें पानी ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि मुझे लगी है प्यास, सब बोलते बोलते तो पानी पी लेती हूँ पहले, बहुत ठंडा पानी रहता है इसमें, और यहाँ इस तरीके से पानी ना स्टोर करके ही रखना पड़ता है, जैसे बड़े बड़े जो होते हैं बर्तन उनमें, क्योंकि नल अब दो दो तीन तीन दिन में आता है। तो फ्रेंड्स किचन मैंने आपको दिखा दिया, फिर यहाँ पे वॉश बेसिन है ये, फिर यहीं से निकलते हुए ये यहाँ पे लेट बाथ है, जो कि कंबाइन है ये। अब चलती हूँ ऊपर, आ जाइए। जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़ के आते हैं तो यहाँ मैंने कुछ ही प्लांट लगा दिए हैं, जैसे मनी प्लांट है, और ये इसको क्रिसमस ट्री है, और इसका नाम नहीं पता, इनका भी नाम नहीं पता है, और यहाँ पर मनी प्लांट है, और यहाँ पर भी ये छोटा सा इन्हीं की प्रजाति है, एक दूसरे के भाई बहन है ये। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया है, और यहाँ पे नीचे ना सिलेंडर रख रखे जिनको मैंने ढांक दिया है, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं थी, इसलिए यहीं रख दिया है, यहाँ स्पेस। तो बस यहाँ से एंटर होते हैं, तो यहाँ रखी रहती है मेरी वॉशिंग मशीन, और ये पूछा इधर रखा रहता है बास्केट। फिर इसके बाद सीधे आ जाते हैं इधर हॉल में, और नाइशा ने गुस्से में लग रहा मुझे कुशन पलट दिए हैं। एक सेकंड लाइट ऑन कर लो। तो ये वाला लिविंग रूम हम लोग ऊपर यूज करते हैं, वैसे रहते तो नीचे भी है, पर नीचे जो हॉल में हमेशा पापा जी रहते हैं। तो ये वाला तो हॉल आपने कई बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में, ये मैंने बनाया। और यहाँ पे भी एक टीवी है, छोटा बेड है, और सोफा है, और यहाँ पे मेरे अगेन पेड़ है, यहाँ पर बैम्बू ट्री, और यहाँ पे छोटा सा ये मैं लेके आई थी, अभी देख सकते हैं आप लोग, मुझे डेकोरेशन की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, देख सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से, कोई भी कछुआ होना घर में तो इस तरीके से मुंह होना चाहिए जैसे वो घर में प्रवेश कर रहा हो। तो यहाँ पर मैंने ये क्रिस्टल का कछुआ, विष्णु भगवान ने अपने उससे इनको ढाक लिया है कि धूप ना लगे, तो देख सकते हैं। और इधर है हमारे तुलसी मैया वापिस से है, आंवला है, और केला है, और ये वाला प्लांट जेड प्लांट है, दिखा दो इधर, ये वाला ये जेड प्लांट है, तो इसको मैंने बड़े में लगा दिया है। उधर हमें हरी धूपा भी मिल जाती है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, गणेश जी को।
बाद में यहाँ आते हैं तो इधर साइड में है लेट बाथ। अब इसको खोल के मैं क्या दिखाऊँ, ये बाथरूम, ये है लेट, और फिर इधर ही आ जाते हैं सामने, ये है मेरा मंदिर। तो मंदिर भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो अभी तो वैसे मैं भगवान जी को डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि अभी दोपहर के 2 बजे हैं। वैसे मैं आती नहीं हूँ मंदिर में, आज आ गई, पंखा ऑन रहता है और मतलब पर्दा लगा देती हूँ, फिर शाम के 4 बजे ही मैं खोलती हूँ। चलो भगवान माफ करना। पिरामिड होते हैं जो कि घर में अच्छी एनर्जी के लिए होते हैं, जो कि मेरी सिस्टर के जो ससुर जी हैं वो वास्तु शास्त्र किए हुए हैं, उन्होंने ही ये स्वास्तिक दिए हैं। तो ये पिरामिड है जो घर में एक अच्छी ऊर्जा लाते हैं और अच्छी ऊर्जा का संचार होता है, तो उसी के लिए ये दोनों लगाए। मेन गेट पे भी मैंने ये लगा रखे हैं। तो चलो बस अब मैं दिखाती हूँ अपना रूम आप लोगों को। और यहाँ पर है एक प्लांट जो कि जितनी शादी को मेरे साथ हो गए ना इतनी साल का ये प्लांट हो गया है और बहुत अच्छा प्लांट है। मैं मतलब दिल से, जैसे होता ना पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव प्यार, ऐसे ही मुझे इस प्लांट से बहुत ज्यादा प्यार है। ना तो इसमें कोई खाद डालने की जरूरत होती है, बस इसको पानी चाहिए टाइम टाइम पे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये बॉल जो कि मेरे बेटे की, जो दिन भर खट खट खेलता रहता है क्रिकेट। तो चलो अब आ जाइए आप लोग, अब दिखाते हैं हम अपना रूम। और देखिए जैसे रानी महारानी का स्वागत नहीं होता, बच्चे मेरे पर्दे खोल रहे हैं। तो बस ये है मेरा छोटा सा बेडरूम, छोटा सा तो नहीं है, जितने घर में रूम है ना नीचे उन सबसे बड़ा मेरा बेडरूम ही है। तो देखो नाइशा ने तकिया खराब कर दी थी। तो यहाँ पर है एक छोटी सी अलमारी जिसको मैंने डेकोरेट करके रखा है। अभी ज्यादा कुछ नहीं है, हम अपने रूम में कराएंगे काम, क्योंकि आप लोगों को मेरा ये जो बेड है वो भी पसंद नहीं आता है। ये नायशा भैया अपनी गुल्लक दिखा रही, तो ये भी देख लो आप लोग, नायशा कह रही मम्मा मेरी गुल्लक दिखाओ। चलो दिखा दी मैंने। तो यहाँ पर ये बेड भी मुझे चेंज कराना है, जो कि मुझे खुद को नहीं पसंद है। जब ये लेकर आए थे बड़ौदा में तभी मुझे ये पसंद नहीं आया था। तो चलो अब कुछ नहीं, जब तक चल रहा है मुझे बहुत जल्दी इसको चेंज करूंगी। और यहाँ पर ये रखे हैं प्रेस के कपड़े, और ये हमारी कुछ फोटो हैं, ये है हमारी हनीमून की फोटो, दिल्ली की है, और ये है बड़ौदा की जो कि हम लोग गए थे ऐसे ही हाईवे पे घूमने के लिए गए थे, और ये है जबलपुर की। तो ये हमारी कुछ यादें, और यहाँ प्रेस के कपड़े हैं, माइंड मत करना, इधर कोने में भी थोड़े बहुत कपड़े हैं जो कि मुझे तय करने हैं। आप लोग तो मेरी अपनी फैमिली हो तो दिखावटी नहीं दिखाना है मुझे, तो घर में होता ही है ऐसा। तो चलो अब थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। अरे हाँ, थोड़ा सा ऊपर भी तो दिखा दूं मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अब मैं ले चलती हूँ आपको ऊपर, ज्यादा ऊपर तो नहीं ले जाऊंगी, बस यहाँ चलते हैं। अरे पर्दा क्यों लगाया है नायशा, पर्दा खोलो। तो बस यहाँ से दोबारा इस तरीके से सीढ़ियाँ जाती हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ प्लांट लगा रखे हैं, यहाँ पे वापस से हरी का पाम है, रबड़ का प्लांट है, एलोवेरा है, और यहाँ पे कुछ मैंने अपने बच्चों के जितने भी खिलौने जो बिखरे रहते हैं ना वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो बस यही है छोटा सा घर। इसके ऊपर हम जाएंगे छत पे, तो आप लोगों को पता ही है छत पे भी एक स्टोर रूम है, तो बस वो ही है। और बस कैसा लगा आप लोगों को होम टूर कमेंट में जरूर बताना। तो चलो पहले अब नीचे चलते हैं, थोड़ी सी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ में वापस से।